नारद जी की ताजा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी कमर कस ली है। बात अगर सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस की करें तो विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच से प्रत्याशी चयन करने की बात कह रही है। इसके अलावा जगह जगह संकल्प सभा का आयोजन करते हुए 11 लोकसभा सीटें जीतने का भरोसा जता रही है। कांग्रेस के मुताबिक जनता ने अब भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए हम पूरी तरीके से जो विधानसभा चुनाव में जो हमने रणनीति बनाया था कि कार्यकर्ताओं के बीच से प्रत्याशी का चयन होगा, कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर ले जाकर प्रशिक्षित किया जाएगा और संकल्प से का जो आयोजन हमने किया था उसी रणनीति को हम यहाँ पर दोहरा रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से हमारी कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर चुकी है और संकल्प शिविर का आयोजन जगह जगह हो रहा है, कार्यकर्ताओं से राय मशवरा किया जा रहा है और आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं के दम पर, वरिष्ठ नेताओं के दम पर हम यहाँ पर 11 लोकसभा सीट जीतेंगे। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी 11 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है और जनता भी हमारे साथ खड़ी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से राज्य की जनता ने नकार दिया है। 15 साल से सत्ता में थे, छत्तीसगढ़ जिस प्रकार का दोहन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, अराजकता जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान था, जनता उससे व्यथित थी, वही स्थिति केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ भी है। वादा खिलाफी से राज्य की जनता परेशान है, नाराज है। 15 लाख रुपए खाते में आने की बात इनके द्वारा कहा गया था, महंगाई कम करने का वादा किया गया था, धारा 370 आने की बात हुई थी, राम मंदिर निर्माण का मसला था, राष्ट्रवाद की बात थी। और जिस प्रकार से भी देश में स्थिति है, महंगाई चरम सीमा पर है, आतंक बढ़ा हुआ है, लोग परेशान हैं, राम मंदिर के विषय में मौन बैठे हुए नरेंद्र मोदी, तो कहीं ना कहीं जनता पूरी तरीके से इस विषय से नाराज है और जनता जो नाराजगी है उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। जो राज्य की जनता ने रमन सिंह की सरकार को जो नकारा है वैसी स्थिति यहाँ पे बनने वाली है और 11 लोकसभा सीट हम जीतने वाले हैं। इस लोकसभा में जनता किसे नकारती है और किसे स्वीकारती है इसका पता वक्त आने पर ही चल पाएगा। रायपुर से खबरची न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश यादव के साथ अमित शर्मा की रिपोर्ट। नारायण नारायण।